जी ने 4 दिन पूर्व पेपर में लिखा कि चिता अग्नि से भी विवाह संस्कार हो जाएगा और उन्होंने करवाया। तो उसमें यही है कि यदि संशय यदि होगा, आज यदि किसी को यदि कोई बात ये की जाए तो वो संशय करेगा, तो ये संशय थोड़ा सा दूर बैठिए। मुरारी बापू तो ईश्वर अल्लाह दोनों का भजन कराते हैं या नहीं? अगर हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं, आते हैं तो कम से कम आध घंटा मेरे पास बैठते हैं, मैं कुछ भी कहूँ मुस्कुराते रहते, एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। वे ईश्वर और अल्लाह दोनों के भजन भी बनाए हैं और गवाते भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मुरारी बापू में दमखम हो तो कहें कि जैसे हमारे मंदिर में भगवान ईश्वर राम कृष्ण आदि के रूप में है, ऐसे मुल्लाओं की मस्जिद में मुल्ला की साकार मूर्ति बने, दमखम होते कहें, समझ गए ना? क्या इतना सुधार लावे मस्जिद में कि वहाँ भी मोहम्मद साहब की सही मूर्ति बन जाए, अल्लाह की मूर्ति बन जाए, तो मुसलमान का चूमर निकाल देंगे। मुरारी बापू धर्म को आई भी नहीं जानते, उनको अधिकार नहीं है चिता की अग्नि से विवाह संस्कार कराने का, है जिसका वो धर्माचार्य नहीं है। धन के बारे में शून्य है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी सीमा का अतिक्रमण करके किसी को भी किसी पक्ष में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जिस विषय को जानते नहीं, जिसमें अधिकृत नहीं, उसमें हस्तक्षेप करना हमारी संस्कृति को विकृत रूप देने की आवश्यकता है या क्या? अग्नि अग्नि में भेद है, सुनो, यज्ञशाला में कितनी अग्नियाँ होती हैं, आहवनी अग्नि भी होती है या नहीं, आवसत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि। जो दक्षिणाग्नि में काम होना चाहिए, अगर वो काम किसी और अग्नि में कर देंगे विस्फोट हो जाएगा, समझ गए? आग तो एक ही है, उत्तम रीति से उसको प्रकट करते हैं यज्ञशाला में। मंत्र के बल पर अग्नि की स्थापना की दिशाएं होती हैं, उन अग्नि का स्वरूप होता है। दक्षिणाग्नि में जो कार्य किया जाता है वो अगर अन्य अग्नि में कर देंगे विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ये सब जो है शास्त्र का विषय है, और मंत्र में विधि में अणु बम से भी अधिक शक्ति होती है। जो जिस विषय का जानकार नहीं है, अपने ऊपर कृपा करके, अपने अनुयायियों के ऊपर कृपा करके उस विषय में मुँह न खोले तो अच्छा है। जानकार भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है, फिर भी मुँह खोल रहे हैं, तो इससे लाभ होगा धर्म का, पतन होगा या नहीं होगा? श्मशान की आग से, श्मशान की आग आजकल क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अग्निहोत्री होते थे, अग्निहोत्र की आग के द्वारा उनके शव जलाए जाते थे, समझ गए? आजकल तो अग्निहोत्री ही नहीं है, दाह संस्कार तो नाम मात्र का रह गया। लेकिन फिर तो ये कहेंगे ना, मुर्दे के ऊपर वस्त्र चढ़ाकर फिर भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए, मुर्दे को भोग लगा करके श्मशान में फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए भी कहेंगे। फिर ये कहेंगे मुर्दे से शादी करवानी चाहिए, हाँ मुर्दे से शादी करानी चाहिए, दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। जो जिस विषय को जानता नहीं, जिसमें अधिकृत नहीं है, समझ गए, वो कितना भी बड़ा हो जाए, आज मोदी जी धर्म के ऊपर हस्तक्षेप करने लगे हैं तो अनर्गल अधिकार होगा या नहीं? अपनी सीमा में हर वस्तु की महिमा होती है, सीमा का अतिक्रमण करके यज्ञशाला की आग भी ऊपर उठे तो लोग उसको दबा देते क्या? हाँ ठीक देव।